कोय्या का अपहरण। सम्राट कृष्णदेव राय गर्मियों के दिनों में अपने कुछ प्रमुख दरबारियों के साथ पड़ोसी राज्य की यात्रा पर गए। वापस लौटे तो रास्ते भर पीने के पानी की बड़ी दिक्कत रही। महल आकर सम्राट ने मंत्री को आदेश दिया, राज्य की मुख्य सड़कों के बीच जाल ढके हुए कुएं बनवा दिए जाएं ताकि राहगीरों को पानी की परेशानी न उठानी पड़े। राजा का आदेश सुनकर मंत्री ने अपने एक भतीजे जो कि आलसी और कामचोर था को राजकोष से धन दिलवाकर कुओं के काम पर लगा दिया। कुछ दिन बाद सम्राट ने दरबार में मंत्री से इस विषय में पूछा तो उसने 20-25 सड़कों के नाम गिनवा दिए और कहा, महाराज इनमें से हर सड़क के पास कम से कम 2-2 कोस की दूरी पर कुएं बनवा दिए हैं। सुनकर राजा प्रसन्न हुआ, लेकिन तेनालीराम जानता था कि मंत्री का भतीजा आलसी और कामचोर है। अब वो राजा से ये बात कहे तो कहे कैसे। तभी उसे एक युक्ति सूझी। 2 दिन बाद एक किसान दरबार में रोता पीटता आया, महाराज मैं लुट गया, मेरे साथ न्याय कीजिए, किसी ने मेरी कुइया का अपहरण कर लिया। सुनकर राजा सहित सभी दरबारी हंस पड़े। तब राजा ने उसे पूरी बात बताने को कहा तो वो बोला, महाराज सड़क के किनारे मेरा खेत है जिसमें एक कुइया थी, मैं उसी से अपना खेत सींचा करता था। कुछ दिन हुए राज्य के अधिकारियों ने मेरे मना करने के बावजूद वहां एक कुआ खोद दिया, अब वहां से मेरी कुइया गायब है। राजा को यह सब बड़ा अटपटा लगा। तेनालीराम के कहने पर राजा ने छानबीन के आदेश दिए तो उन्होंने आकर बताया कि वहां कुआ है न कुइया। तब राजा ने क्रोध भरी दृष्टि से मंत्री की ओर देखा, सभी सड़कों पर बने कुओं की जांच के आदेश दिए तो पाया कि मंत्री के भतीजे ने केवल 10 कुएं ही खुदवाए हैं जबकि भुगतान 1,000 कुओं के निर्माण का लिया गया है। मंत्री के भतीजे को तुरंत गिरफ्तार कर शेष कार्य तेनालीराम को सौंप दिया गया। जेल की हवा। एक बार विजयनगर राज्य में भयंकर वर्षा के कारण बाढ़ से सब तरफ तबाही मच गई। अनेकों घर और सैकड़ों पशु बाढ़ की भेंट चढ़ गए। राजा ने तत्काल मंत्री को बुलाकर आदेश दिया, तुरंत बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जाए और राहत कोष से धन निकालकर बाढ़ से गिरे लोगों को निकाला जाए, उनके रहने खाने और चिकित्सा का पूरा पूरा प्रबंध किया जाए, नदी नालों पर जो पुल बह गए हों बना दिए जाए। मंत्री तुरंत राहत कोष से मोटी रकम निकालकर सहायता के काम में जुट गया। कुछ दिन बाद मंत्री वापस लौटा तो उसने अपने काम की खूब बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा की। महाराज बहुत खुश हुए। तब तेनालीराम जो सब कुछ जानता था बोला, महाराज क्यों ना आप भी चलकर देख लें कि मंत्री ने कैसे कैसे प्रबंध किए। राजा तुरंत तैयार हो गए और तेनालीराम के साथ चल दिए। रास्ते में राजा का बाग पड़ता था। राजा ने देखा कि बाग के बहुत से पेड़ कटे पड़े हैं। राजा के प्रश्न पर तेनालीराम ने उत्तर दिया, शायद तेज हवा या बाढ़ में टूटे हैं ये वृक्ष। आगे चलकर एक नाले पर कटे पेड़ पुल का काम दे रहे थे। राजा ने पूछा तो तेनालीराम बोला, शायद ये बाढ़ के पानी में बहते बहते यहां तक आकर खुद अटक गए हैं। चलिए महाराज आगे देखते हैं। मगर सब जगह यही हाल था। दोनों एक गांव में पहुंचे तो देखा कि गांव का बहुत सा भाग पानी में डूबा है और लोग मचान बनाकर पेड़ों पर रह रहे हैं। तेनालीराम ने यह सब देखकर महाराज से कहा, देखिए महाराज मंत्री जी ने इन्हें बाढ़ से बचाकर पेड़ पर टांग दिया, भला इससे अच्छी राहत क्या होगी। राजा तभी क्रोध से भरे वहां से लौटे और मंत्री को डांटते हुए कहा, जो पैसा हजम किया है या तो उससे बाढ़ पीड़ितों की सहायता करो अन्यथा जेल की हवा खाओ, और हां इस बार तुम जो करोगे उसकी जांच तेनालीराम करेंगे। मंत्री ये आदेश सुनकर मुंह लटका कर रह गया। तेनालीराम की चतुराई। सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार में अचानक चतुराई की बात चल निकली। मंत्री ने कहा, महाराज आपके दरबार में चतुरों की कमी नहीं, यदि अवसर दिया जाए तो ये बात सिद्ध की जा सकती है। सेनापति बोला, मगर महाराज हर बार तेनालीराम बीच में कूद पड़ता है, किसी को अपनी चतुराई दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। सम्राट गंभीर हो गए। दरबार में कोने में सुगंधित धूप बत्ती जल रही थी। सम्राट ने उस ओर देखते हुए कहा, ठीक है आज आप लोगों को अपनी चतुराई दिखाने का अवसर मिलेगा, तेनालीराम बीच में नहीं बोलेगा। फिर उस धूप बत्ती की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे इस धूप बत्ती का 2 हाथ धुआं चाहिए, जो देव पाएगा वो तेनालीराम से भी चतुर होगा। सम्राट का प्रश्न सुनकर सभी हतप्रभ रह गए।
धुआं कैसे नापा जाए, किसी की भी अकल काम नहीं कर रही थी। कई दरबारियों ने धुआं नापने की कोशिश की, किंतु टेढ़ी मेढ़ी गति से उठते धुएं को कोई नाप न सका। सब कोशिश कर थक गए। तब दरबारियों ने कहा, अन्नदाता, यदि ये काम तेनाली कर सके तो हम सब इसे अपने से चतुर मान लेंगे, यदि न कर सका तो इसे भी हमारे ही बराबर समझा जाए। राजा ने तेनालीराम की ओर देखा तो तेनालीराम अपनी जगह से उठकर हाथ जोड़कर बोला, कोशिश करता हूं अन्नदाता, सदा ही आपके आदेश का पालन करता आया हूं, अब भी प्रयत्न करूंगा। फिर उसने सेवक को बुलाकर कान में कुछ कहा। थोड़ी देर बाद सेवक दो हाथ लंबी एक नली लेकर आया। तेनालीराम उस नली को लेकर धूप बत्ती के पास गया और उसमें धुआं भरने लगा। जब धुआं भर गया तो उसने नली के मुंह कागज से बंद कर दिए। फिर वो सम्राट को देते हुए बोला, लीजिए महाराज दो हाथ धुआं। सम्राट ने गर्व से तेनालीराम को देखा। सभी दरबारियों के चेहरे झुक गए थे। परदेसी की सूझबूझ। एक बार तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय की किसी बात से नाराज होकर कहीं चला गया। जब वो कई दिन तक न लौटा तो राजा को चिंता हुई। उन्होंने तेनालीराम को खोजने का प्रयत्न किया लेकिन वो न मिला। तब राजा को एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपने राज्य के गांव गांव घोषणा करवा दी कि महाराज अपने राजकीय कुएं का विवाह कर रहे हैं। सभी गांव के मुखियों को आज्ञा दी गई कि वे अपने अपने गांव के कुएं लेकर राजधानी पहुंचे। ऐसा न करने पर दंड के रूप में 20,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी। हर कोई ये घोषणा सुनकर हैरान था, भला कुएं भी कहीं ले जाए जा सकते। तेनालीराम ने भी यह ऐलान सुना। वो समझ गया कि ये सब चाल उसे खोजने के लिए महाराज चल रहे हैं। वहां के मुखिया को परेशान देखकर तेनालीराम ने कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें, आपने मुझे जो आश्रय दिया है मैं उसका बदला जरूर चुकाऊंगा। मैं आपको तरकीब बताऊंगा, आप चलने की तैयारी करें। तेनालीराम अपने साथ गांव के 4-5 आदमी तथा मुखिया सहित राजधानी पहुंचा। उनमें से एक तेनालीराम द्वारा बताए उपाय अनुसार नगर जाकर बोला, महाराज हमारे गांव के कुएं विवाह में शामिल होने के लिए आ गए हैं। वे नगर के बाहर इस प्रतीक्षा में ठहरे हैं कि नगर के कुएं आकर उनकी आगवनी करें, उनका स्वागत करें। राजा समझ गया कि ये तेनालीराम की सूझबूझ है। उन्होंने पूछा, सच सच बताओ तुम्हें ये युक्ति किसने बताई? महाराज कुछ दिन पहले हमारे गांव में एक परदेशी आकर ठहरा है, उसी ने ये तरकीब बताई है। वो अन्य लोगों के साथ नगर के बाहर है। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज स्वयं जाकर बड़ी धूमधाम से तेनालीराम को लेकर आए। उन्होंने गांव वालों को पुरस्कार देकर हंसी हंसी विदा कर दिया। भगवान और साधु। एक विशाल मंदिर बनवाने के लिए राजा कृष्णदेव राय ने मंत्री को उपयुक्त स्थान खोजने को कहा। मंत्री ने नगर के समीप जंगल के एक टुकड़े को चुनकर राजा की सहमति से उसे साफ कराना शुरू कर दिया। साफ होते जंगल के बीचों बीच पुराने मंदिर के खंडर के साथ भगवान विष्णु की एक आदमकद स्वर्ण प्रतिमा मिली। सोने की ठोस प्रतिमा को देखकर मंत्री को लालच आ गया। वो चुपके से उसे उठाकर अपने घर ले गया। मजदूरों में तेनालीराम के आदमी थे। उन्होंने तेनालीराम को सारी बात बता दी। सुनकर तेनालीराम सोच में डूब गया। भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण के साथ एक दिन राजा ने दरबारियों से पूछा, भगवान की मूर्ति कैसे बनवाई जाए? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, राजा तय न कर पाया। तभी दरबार में जटाजूटधारी एक सन्यासी आया और बोला, महाराज मैं आपकी चिंता जानता हूं। रात को भगवान ने सपने में मुझे दर्शन दिए, उन्हीं का संदेश लेकर यहां आया हूं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, भगवान का संदेश? शीघ्र बताइए सन्यासी जी। साधु ने हाथ में पकड़ा चिमटा उठाया और कहा, राजन भगवान ने स्वयं अपनी आदमकद प्रतिमा मंदिर के लिए भेज दी है। इस समय वो मंत्री के घर है, उसे मंदिर में प्रतिष्ठित करा दो। कहकर साधु चला गया। राजा ने मंत्री की ओर देखा तो मंत्री ने सकपका कर स्वर्ण प्रतिमा कबूल कर ली। राजा ने चारों ओर देखा तो तेनालीराम को गायब पाया। थोड़ी देर बाद तेनालीराम आया तो उसे देखकर सभी हंस पड़े। बोले, महाराज शायद यही थे साधु बाबा, कपड़े और जटा तो उतार आए मगर कंठी तिलक उतारना भूल गए। राजा भी देखकर हंस पड़े और बोले,
अब मूर्ति तेनालीराम की देखरेख में रहेगी। मंत्री बेचारा खींच कर रह गया।